हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 5.2। दोनों क्वेश्चन इसमें बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो जो फिफ्थ पोस्टुलेट है यूक्लिड का, उसको पहले पढ़ते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। ये two right angles, one right angle 90 का है, तो two right angles कितने के हो गए? 180 के। ठीक है, अब जरा समझिएगा ये postulate क्या कह रही है। ये कह रही है कि जैसे फिगर में आप देखिए, अगर मैंने यहाँ टू लाइन ड्रॉ की है, एक ये ए बी लाइन है और दूसरी ये सी डी लाइन है। इन दोनों लाइंस को एक लाइन ये पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है। इस पी क्यू के किसी भी एक साइड में, जैसे हम लेफ्ट साइड में ले लें, तो ये एंगल वन और ये एंगल टू, ये टू राइट है, ये टू एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर इन दोनों का सम 180 से लेस हो, मतलब टू राइट एंगल से अगर लेस है, तो इस ट्रांसवर्सल पी क्यू की इसी साइड में अगर इस ए बी को आगे बढ़ाया जाए और इस सी डी को आगे बढ़ाया जाए, तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं मिलेंगी जाकर। ओके, अब जरा देखिएगा जो कहा गया है कि हाउ कैन यू रीराइट द पोस्टुलेट। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो लाइन एल है, हमने क्या किया, एक पॉइंट पी चूज किया जो लाइन एल पर ना हो, ठीक, और इस पी पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक। एक देखिए ये भी लाइन ड्रॉ की है और एक ये भी ड्रॉ की है। तो जरा समझिएगा, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, मतलब L पर वो पॉइंट P ना हो, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। ये फिफ्थ पोस्टुलेट अपने तरीके से अगर हम लोग कहें तो क्या कह सकते हैं कि किसी लाइन L और किसी पॉइंट P जो कि L पर ना हो, तो P पॉइंट के थ्रू हम केवल एक ही लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं जो लाइन L के पैरेलल हो। ठीक है, इस फिगर से आप देख सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है आपके ये नोट्स के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट ऑफ ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू पी ओनली लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल। दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जैसे ये एक डॉटेड लाइन है, एक ये डॉटेड लाइन है, ठीक, या आप एम लाइन को ले लीजिए और एक डॉटेड लाइन ले लीजिए, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अब ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। इन इंटरसेक्टिंग में से अगर एक लाइन कोई किसी दूसरे के पैरेलल है, तो उसके पैरेलल दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. क्या Euclid का fifth postulate parallel lines के existence को भी imply करता है? तो fifth postulate तो चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, वही explained है यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक, कि अगर कोई दो लाइन हो L और M और उनको एक ट्रांसवर्सल N ऐसे इंटरसेक्ट करे, तो उस लाइन के एक ही साइड में जो एंगल्स होंगे उनका सम अगर 180 से लेस है, तो निश्चित तौर पे वो लाइंस उसी साइड में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। नाउ जो ये पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस को हमें इम्प्लाई कराना है, वो कैसे कराएंगे देखिएगा। आप देखिए यहाँ पर जैसे हमने लाइन L और लाइन M दो लाइन ली, ठीक है, L एंड M आर पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं। अब आप समझिए जरा, अगर L और M पैरेलल है, तो इसका मतलब ये जो ट्रांसवर्सल हमने ड्रॉ की है, ठीक, इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम 180 होगा, ठीक है। देयरफोर यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, बाय यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, लाइन एल एंड एम विल नॉट मीट ऑन राइट साइड ऑफ एन,
इस लाइन एन के राइट साइड में ये एल और एम नहीं मिलेंगी क्योंकि एंगल वन और एंगल टू का सम 180 से लेस ना हो करके इक्वल है। अगर लेस होता तो मिलती, इक्वल है तो ये इधर नहीं मिलेंगी। इसी तरीके से अगर लाइन एन के लेफ्ट साइड में आप देखें एंगल थ्री और एंगल फोर, इनका भी सम क्या होगा 180। इसलिए ये लाइन एल और एम एन लाइन के लेफ्ट साइड में भी कहीं भी मिलेंगी नहीं। और जब ये मिलेंगी नहीं तो पैरेलल लाइंस तो एग्जिस्ट करती हैं ना, दस यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।